गुड इवनिंग डॉक्टर्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2019 का नीट पीजी कैसे क्रैक करें। तो हमारा आज का टॉपिक है नीट पीजी 2019 क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें निकालना है। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 500 MCQs होने चाहिए। 500 नॉट MCQs, इट्स 500 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो वो टॉपिक्स आप कैसे तैयार करोगे, आपको कैसे पता चलेंगे, जब हम 500 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कर लेंगे तो हमारा एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरे को ऐसा लगता है अगर आपको सारे MCQs याद रहते हैं तो। इसलिए मैंने एक फोल्डर तैयार किया है, जैसे अमाइलोइडोसिस मैंने लिखा अपने चैनल पे, तो इसमें मैंने क्या किया है, क्वेश्चंस पुट किए हैं, जैसे नीट पीजी जो प्रीवियस ईयर के आ चुके हैं, एम्स पीजी ऑल इंडिया एग्ज़ाम एंड DNBCET एग्ज़ाम। तो इसके जो 2014 से लेके 18 तक, 15, 16, 17 एंड 18 तक मैंने कवर किए हैं टॉपिक्स, जैसे मैंने बताया है अमाइलोइडोसिस, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके मैंने सारे MCQs डिस्कस किए हैं। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हर साल रिपीटेड ही क्वेश्चंस आते हैं 50%। फिर हम दूसरी बात देखें, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस भी हमें इन सारे एग्जाम्स के सारे क्लियर होने चाहिए, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, HIV एड्स इंडिया में एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। फॉरेंसिक में हम जाएँ तो फॉरेंसिक में होता है जैसे आईपीसी की जो धाराएं हैं वो हर एक क्वेश्चन में जरूर आती हैं। और अगर हम साइकेट्री में जाएं तो साइकोसिस एंड स्किज़ोफ्रेनिया के बिना तो साइकेट्री का पेपर ही नहीं बन सकता, तो इस टॉपिक पे भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं। अगर हम PSM में जाएं तो BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं। और मेरा टारगेट है आपका नीट पीजी 2019 आने से पहले पहले मैं इस टाइप से डालता हूँ टॉपिक, जैसे अमाइलोडोसिस, नीट पीजी, एम्स, DNBCET 2014, 15, 16, 17 एंड 18। तो अगर आप उस सीरीज को पढ़ लेते हो तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए सफिशिएंट है। और जो सिलेक्शन नहीं हो पाता है उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता किसी भी एग्जाम में। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थ्योरी की तरफ पढ़ जाते हैं, आज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पूरा पढ़ डालेंगे, ठीक है पढ़ लिया, 10 दिन बाद पूछो सब गायब है, या 2 महीने बाद पूछो एग्जाम में याद नहीं आ रहा ये कौन सा है, सोमेटिक है, डिसोसिएटिव है, सीजोइड पर्सनैलिटी, याद नहीं आ रहा। क्यों याद नहीं आ रहा, क्योंकि हमने MCQs नहीं किए। तो अगर हमें एग्जाम क्रैक करना है तो 10,000 MCQs हमें टिप पे होने चाहिए। पर कौन से MCQs, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हों, जैसे मैंने बताया माइलोडोसिस के हमें MCQs नहीं छोड़ने हैं, जो मैं बता रहा हूँ अननेसेसरी बहुत सारे नहीं, जो मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ वही आपको बहुत हेल्प करेंगे। और दूसरे अगर आपको टाइम लगता है इसके बाद तो आप करें ट्यूबरक्लोसिस के MCQs, HIV के, IPC के, साइकोसिस एंड सिज़ोफ्रेनिया, BMW, हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं। जैसे कार्डियो में हम जाएं तो मायोकार्डियल इन्फार्क्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ हम थोड़ा बहुत यूरोलॉजी का पार्ट ले लेंगे, तो वो मैंने MCQs डाल दिए हैं। और मैं पूरी सीरीज 500 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डालने जा रहा हूँ, और रोज एक या दो टॉपिक्स आपको डालूंगा, तो उसको आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में। मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरा जैसा मैं कहता हूँ वैसा फॉलो करोगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में 2019 में नीट पीजी में आप टॉप करोगे इजीली। क्योंकि अगर आप थ्योरी पे बैठ जाओगे तो थ्योरी तो बहुत है, अगर आपको थ्योरी मेडिसिन की आती है तो आप तो MD मेडिसिन कहलाओगे, अगर आपको ऑप्थल्मा का पूरा थ्योरी आ गया तो आप ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हो गए। तो पूरा थ्योरी पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, पर हम उसको समझ सकते हैं। आप मुझसे पूछना चाहें व्हाट इज सिज़ोफ्रेनिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी ये 2019 का स्पेशल सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने चैनल पे, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो वो सब उन MCQs को सॉल्व करें, जैसे मैंने लिखा अमाइलोडोसिस, नीट पीजी, एम्स पीजी, DNBCET 2014, 16, 17, 18, 19, वैसे ही 18 टिल 18 नॉट 19, वैसे ही मैंने एक और चालू किया है जैसे IPC सेक्शन, फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, टॉक्सिकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिकोलॉजी के बिना फॉरेंसिक का एक क्वेश्चन आता ही नहीं है, टॉक्सिकोलॉजी से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ये याद रखो बिना उसके पेपर हो ही नहीं सकता। फिर स्पाइनल नर्व्स वगैरह पे मैंने क्वेश्चन डाले हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्रेनियल नर्व से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट 500 टॉपिक्स मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा नीट पीजी 2019 के लिए, 300 क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप 150 से 200 तक तो मेरे टॉपिक्स में से ही कवर कर लेंगे, 150 से 200 जो मैं अभी डालने जा रहा हूं। और कुछ वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, 6-7 इस टाइप के वीडियो,
तो नीट पीजी से रिलेटेड मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स बी रेडी बी कॉन्फिडेंट, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू, दैट्स ऑल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक बेल बटन होगा उसको रिंग कर दें, क्योंकि बेल बटन से क्या होगा कि आपको नए मेरे सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे, न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं आपके लिए ऑल द बेस्ट एडवांस में कहना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। हैव अ गुड डे, गुड बाय, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।